हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका टाइम पूरा हो गया है और आपके लेबर पेन स्टार्ट ही हो जाए। आपका टाइम पूरा होने के बाद में आपके लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले ही आपकी पानी की थैली फट जाती है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी पानी की थैली 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद में फटती है, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी की थैली फटने के बाद में आपको और बच्चे को दोनों को संक्रमण का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। और हॉस्पिटल जाने के बाद में आपके जो है प्राइवेट पार्ट का चेकअप होगा, एंड उसके बाद में बच्चे की भी हार्ट बीट वगैरह चेक की जाएगी, एंड डॉक्टर ये क्लियर करेंगे कि आपको और बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। आपका ब्लड प्रेशर एंड आपके हृदय की गति की जांच भी होगी, ताकि डॉक्टर ये क्लियर कर सके कि आपको कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, पानी की थैली फटने के बाद में आप 48 घंटे तक लेबर पेन स्टार्ट होने का बिल्कुल वेट कर सकती हैं। बट इसकी एक कंडीशन होती है, अगर माँ और बच्चे दोनों ही बिल्कुल ठीक रहते हैं तभी डॉक्टर जो है इस बीच वेट करते हैं, एंड अगर इस बीच माँ या बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डॉक्टर जो है तुरंत ही सिचुएशन के हिसाब से सी सेक्शन का डिसीजन लेते हैं या फिर जो है आर्टिफिशियल लेबर पेन स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी पानी की थैली आपके 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही फट जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो आपका बेबी होता है वो बिल्कुल प्री मेच्योर होता है, इसलिए आपकी जो है प्रीटर्म डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। ऐसे में जो आपका बेबी होता है तो डॉक्टर उसको सही मॉनिटरिंग एंड सही ट्रीटमेंट के द्वारा जीवित रखते हैं। अब हम आपको क्लियर कर दें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पानी की थैली फट चुकी है। जैसे किसी की पानी की थैली जो होती है वो एकदम से फट जाती है, तो क्या होता है एकदम से बहुत सारा पानी ऐसा निकलने लग जाता है, बट किसी की पानी की थैली बिल्कुल थोड़ी सी फटती है तो क्या होता है कि हल्का हल्का सा पानी जैसा बहना स्टार्ट हो जाता है, एंड किसी की थैली थोड़ी सी ज्यादा फटती है तो क्या होता है किसी का थोड़ा हल्का निकल रहा है, उसके बाद में एकदम से बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये हर किसी महिला के साथ अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जब आपके प्रेगनेंसी के आखिरी सप्ते चलते हैं तो उसमें जो आपकी यूरिन होती है वो ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत निकलती रहती है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वो बिल्कुल पानी जैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है, और इसमें बहुत ज्यादा महक वगैरह नहीं होती है, ये एकदम नॉर्मल होता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो आपकी यूरिन की स्मेल से बिल्कुल अलग होती है, तो आप इजीली बिल्कुल पता कर सकती हैं। आप इस बीच सैनिटरी पैड का भी यूज करके देख सकती हैं, इससे आपको एक बात क्लियर होगी, अगर आपके एमनियोटिक फ्लूइड का रंग जो है वो हरा या फिर भूरा या फिर उसमें जो है गहरे रंग की गांठें आपको महसूस हो रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके बच्चे ने जो है पेट में ही पोटी कर दी है, तो आपको इस बीच तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। एंड बाकी जो है जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड आता है, अगर आपके 37 वीक के बाद में आता है तो क्या होता है इसमें हल्के से आपके खून के धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं, बट ये नॉर्मल है, बट याद रखें हल्के से, ना कि बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद में ये हल्का सा पीला भी आपको दिखाई दे सकता है, तो ये बिल्कुल जो है नॉर्मल होता है। अब हम आपको क्लियर कर दें कि ये एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। जो आपके गर्भाशय में जो आपका बच्चा होता है उसके चारों तरफ जो पानी पाया जाता है उसको ही एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स एंड पोषक तत्व एंड एंटीबॉडी से बना होता है। ये शिशु की 9 महीने तक रक्षा करता है एंड उसको गर्म रखने का काम करता है। इसके द्वारा जो शिशु के फेफड़े होते हैं, जो पाचन तंत्र और भी चीजों को विकसित होने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जो आपका बेबी होता है वो शुरुआत के 23 वीक्स तक आपकी जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसी पर जीवित रहने के लिए निर्भर रहता है, लेकिन जैसे ही आपके 23 वीक्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद में जो आपका बेबी होता है वो इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहता है। इसके बाद में वो सारी चीजें जैसे पोषक तत्व एंड ऑक्सीजन वो प्लासेंटा के थ्रू लेने लग जाता है। गर्भावस्था के जो आखिरी दिन रहते हैं उनमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो शिशु को सिर्फ रक्षा करने का काम करता है एंड उसको हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। और आप एक बार जरूर ध्यान रखें कि पानी की थैली फटने के बाद में बिना डॉक्टर की निगरानी के कोई भी डिसीजन ना लें। कोशिश करें जल्द से जल्द डॉक्टर के संपर्क में पहुंचे, क्योंकि
जितनी जल्दी आप संपर्क में पहुंचेंगी उतनी ही ज्यादा आप अपने आप को और बच्चे को सेफ रख सकेंगी। इस बीच आप घर पे रहने की गलती बिल्कुल भी ना करें और जिस तरीके से आपको डॉक्टर जो भी सजेस्ट करे आप उनकी बात जरूर माने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।